आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाला का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। आइए जानते हैं इस ट्रेलर के बारे में और क्या क्या चूक हुई ये भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दमदार संवाद के नैरेशन के साथ शुरू होता है गंगूबाई काठियावाला का ट्रेलर। लंबे वक्त से कोविड के कारण डिले हो रही आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़िया का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। 3 मिनट 15 सेकंड लंबे ट्रेलर में क्या अच्छा क्या बुरा है, आइए इस बात पर हम बात करेंगे। ये तो भंसाली 2.0 है। संजय लीला भंसाली अपने मनमोहक विराट सेठ के लिए मशहूर है। गंगूबाई काठियावाड़िया का ट्रेलर देखकर एक बात तो दावे से कह जा सकती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल करने वाली है। और वहीं पे उन्होंने दिखाया है रेट्रो का जमाना। भंसाली साहब ने स्क्रीन पर इसको बाखूबी तरीके से उतारा है। ट्रेलर में दिखे सीन्स भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एवन है, प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही पॉलिश है जो उतना ऑथेंटिक तो नहीं लगता, लेकिन यही तो भंसाली की USP है। वो गंदगी को भी एकदम सफाई से दिखाते। नॉर्मली भंसाली की फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर माइल्ड होता है, लेकिन गंगूबाई में भंसाली ने अपनी पिछली फिल्मों से उलट रेट्रो वाइस का गैंगस्टा टाइप्स बैकग्राउंड स्कोर रखा है जो बहुत ही कूल साउंड कर रहा है और ज़बरदस्त रोमांच पैदा कर रहा है। गंगूबाई काठियावाड़े को संजय लीला भंसाली ने अपने 2.0 अवतार में बनाया है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म में जहां गौरे संवादों के लिए जानी जाती है, उससे उलट इस फिल्म में भंसाली ने कॉमिक पंचेज डाले हैं जो दुर्भाग्य से बेहतर लैंड होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही मजबूत है कास्टिंग। सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो लीडिंग लेडी आलिया भट्ट गंगूबाई के किरदार में पूरी तरह से फिट बैठ रही है। आलिया बिल्कुल वैसी ही हिंदी बोलती हुई दिखाई दे रही है जैसी एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से आई असल गंगूबाई बोलती होगी। उन्होंने चेहरे पर किशोर अवस्था में कोठे पर जबरदस्ती लाई गई गंगू की मासूमियत और समाज में भट्टी में झुलस कर आई धूर्तता दोनों को दिखाई दिया है। आलिया की संवाद अदायगी भी जानदार होते हुए नजर आ रही है। हाँ, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन उतना बेहतर नहीं लग रहा, लेकिन इस पर पूरी फिल्म देखकर कमेंट करने पर ही समझ में आएगा। ट्रेलर में विजय राज गंगूबाई के सामने विलन रजिया बाई का रोल में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में रजिया और गंगू के बीच कमाटीपुरा की मैडम बनने का टसल दिखाया जाएगा। विजय राज जैसे केबिलर वाले एक्टर के साथ आलिया भट्ट के एनकाउंटर वाले सीन्स उनके अभिनय की असली परीक्षा होंगे। ट्रेलर में जिम सर्वो और सीमा पाहवा भी नजर आएंगे, यानी कि फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम दमदार है। बस ये बात खल गई। वैसे तो गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर स्मार्टली कट किया गया है जिसमें फिल्म का स्कोर प्लॉट रिवील नहीं होता। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल मोस्टली ट्रेलर में ही लोग पूरी फिल्म दिखा देते हैं, लेकिन एक बात की शिकायत फिर भी है। ट्रेलर में मेकर्स ने फिल्म के सबसे ज़्यादा तालियां और सीटियां बटोरने वाले सीन्स को डालकर सरप्राइजिंग फैक्टर किल कर लिया है। वो सीन है अजय देवगन का। फिल्म में एंट्री ट्रेलर में अजय देवगन की हाजी मस्तानी पेरी किरदार में एंट्री लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात सभी को पहले से ही मालूम थी कि अजय गंगूबाई काठियावाले के लिए कैमियो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सीन को फिल्म के लिए बचा रखा जा सकता था जो बाद में बेहतर होता और फैंस खूब इसके लिए तालियां बटोरते। कौन थी गंगूबाई? गंगा उर्फ गंगू गुजरात के काठियावाड़ की थी। गंगू को शादी करके और फिल्मों में मौका देने का झांसा देकर रमणीक नाम का व्यक्ति कमाटीपुरा में बेच गया था। कुछ समय के संघर्ष के बाद गंगू ने इस कड़वी हकीकत को समझौता कर लिया और धीरे धीरे कुख्यात करीम लाला जैसे डॉन गंगू को राखी भाई बनकर गए और गंगू सत्ता के नीचे जमीन सरकाने का मानदा रखने वाली प्रेसिडेंट ऑफ कमाटीपुरा गंगूबाई बन गई। बाद में गंगूबाई ने अपने बाकी के जीवन के कार्यकाल में अपने समाज में होने वाले अत्याचारों और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का भी रास्ता खुला कर दिया। कब आएगी ये फिल्म? गंगूबाई काठियावाला आधारित हुसैन जैदी किताब की माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित यह फिल्म बनी हुई है। यह फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी OTT पर नहीं थिएटर्स में। हमारे हिसाब से तो गंगूबाई बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। बाकी सटीक टिप्पणी तो फिल्म देखकर ही
समझ में आने वाली है। तो बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ले हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।